नमस्कार, गुजरात फर्स्ट में आपनु स्वागत छे। समाचारों साथे हूं छु आपनी साथे विकास मुकवाणा। तो राजस्थान ना अजमेर में आवेली ढाई दिन का झोपड़ा मस्जिद पर हिंदू बाद हवे जैन समाजे पण पोतानो दावो कर्यो छे। जैन समाजना संघ साथे विश्व हिंदू परिषद अने बजरंग दलना पदाधिकारीए अजमेर नी ढाई दिन का झोपड़ा मस्जिद नी मुलाकात लीधी। ते समय जैन मुनि सुनील सागर महाराजे जणाव्यु के मस्जिद स्थल पर एक समय संस्कृत महाविद्यालय हतुं अने एक जमानामां त्यां जैन मंदिर पण हतुं, तेमज ढाई दिन का झोपड़ा मस्जिद में अनेक मूर्तिओ पण जोवा मळी छे तेवुं कहेवाय। देखिए, सरकारों को भी इस तरह से सोचना चाहिए, और समाज तो आज हमारे साथ था, प्रत्येक वर्ग के युवा थे साथ में, और सबों की भावना है कि बिना उपद्रव के आपसी समझदारी से बैठ करके इन मसलों पर चर्चा की जाए, और जो चीजें जैसी रही हैं पहले उनको वापस वैसा किया जाए। जहाँ मस्जिदें हैं स्वतंत्र भूमि पर, वो रही आए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन कहीं मंदिर वगैरह डिस्टर्ब करके वो चीज़ें बनाई गई हैं, तो आज मंदिरों को वापस मंदिर के रूप में लाना चाहिए। अगर वहाँ प्रतिमाएं होने की संभावना है तो वहाँ खुदाई वगैरह हो, और वो तीर्थंकरों की प्रतिमा वहाँ अगर मंदिर बने तो सबसे अच्छी बात है, और नहीं बन पाए तो कम से कम जो जिन मंदिरों की प्रतिमाएं, जिन देवताओं की प्रतिमाएं, उन लोगों तक पहुंचाई जाए, किसी भी एक अच्छे तरह का न्याय हो, ताकि जो देवताओं की, तीर्थंकरों की, महापुरुषों की भक्ति करने वाले लोग हैं उनके मन ना दुखें, और उनकी प्रतिमाएं भी सम्माननीय रूप से पूजी जाए। पहाड़ है वो ऊपर तरफ, कभी रहा होगा देश में एक, कभी कई बार कौमी एकता का भी माहौल बना, कई बार तरह तरह की चीजें होती रही हैं, कभी क्या कहेंगे, लेकिन फिर भी सब कुछ संभव है, इसीलिए तो कहा मिल बैठ कर के चर्चा हो और रास्ते निकाले। मैंने सीआई साहब को ये ढाई दिन के झोपड़े की बात नोटिफाई करा दी है कि ये इस तरह के लोग बिना कपड़े पहने कैसे ढाई दिन के झोपड़े में गए, अंदर मस्जिद थी, तो सीआई साहब ने ये कहा कि मस्जिद के अंदर उन्हें प्रवेश नहीं करने दिया गया। मैंने, ये तो बात गलत हो रही है, कभी गरीबनाथ की शान में गुस्साखियाँ होती हैं, कभी ये लोग आज तक तो आए नहीं, आके फिर ये कहते हैं कि यह संस्कृत महाविद्यालय था, ऐसी ऐसी बात। मेरे पास पीटीआई के संदीप जी का भी फ़ोन आया था, मुझे तो पता नहीं था, उनसे पता चला और अभी यूट्यूब देख के पता चला, तो मैंने तो फ़ौरन सीआई साहब को ये बात नोटिफाई करा दी, क्योंकि हम लॉ अबाइडिंग सिटीज़न हैं, कंसर्निंग थाने को हमारा मैसेज जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ढाई दिन का झोपड़ा और गरीबनाथ की दरगाह एक कोरिलेटेड है। आप इन तीनों चीज़ों, दोनों चीज़ों को आइसोलेशन में कभी मत देखना। तो मैंने अपना फ़र्ज पूरा किया और सीआई साहब को, नरेंद्र जाखड़ जी को ये बात कह दी, उन्होंने कहा हम लोग बैठे हैं, आप बेफिक्र रहिए, लेकिन मैंने उस पर अपना एतराज़ दर्ज जताया, कभी गरीबनाथ की शान में गुस्ताखी होती और आज तक तो आए नहीं, बिना कपड़े के ये लोग वहाँ पहुँच गए जैनी मुनि लोग, ये चीज़ हमें नागवार गुजरी है। मैंने अपना प्रोटेस्ट, एक पीसफुल प्रोटेस्ट, एक साइलेंट प्रोटेस्ट मैंने दर्ज करा दिया है। तो आ बाबते भाजप नेताए पलटवार करता कहूं के आ बाबते कोई ने सवाल उठावानो अधिकार नथी। समर्थन करने वाले हमारे देवी देवताओं पे जिनके बेटे ने उंगली उठाई उन पर आपत्तिजनक टिप्पणी की, और पाकिस्तान के प्रति जो अपना प्रेम दिखाते हैं उनको किसी समाज के साधु संत पर उंगली उठाने, उन पर प्रश्न खड़ा करने का कोई हक नहीं है। मैं सरवर चिश्ती के बारे में कहना चाहूंगा कि उन्होंने जो आज आपत्ति दर्ज कराई है उससे पहले ये देखें कि किस प्रकार से जैन जो हमारे आस्था के प्रतीक है उनके साथ तोड़फोड़ करके, किस प्रकार से संस्कृत जो विद्यालय था उसको खंडित करके, वहां पर जो प्रतिमा है उनको खंडित करके आताताइयों ने जिस प्रकार का कृत्य किया उसके खिलाफ अगर कोई कार्रवाई बात की जाती है, उन्हें पुनः उस संस्कृत विद्यालय जैन मंदिर के संरक्षण संवर्धन करने की बात की जाती है तो उनको इससे तकलीफ नहीं होनी चाहिए। किसी प्रकार की मर्यादा, किसी भी मर्यादा की विपरीत आचरण किसी साधु संत ने नहीं किया है, उनको इस पर कोई उंगली उठाने का अधिकार। ढाई दिन का झोपड़ा मुद्दे जैन मुनि साथे खास बातचीत थई छे। संद गुजरात फर्स्टे खास बातचीत करी, जैन मुनि सुनील सागर महाराज साथे गुजरात फर्स्टनी टीमे बातचीत करी। सुनील सागर महाराजे पोताना विचारो प्रगट कर्या,
ओरडामां देवताओनी प्रतिमाओ छे तेवुं जैन मुनिए कह्युं। स्तंभमां हिंदू देवी देवताओ दृश्यमान थाय छे। पुरातत्व विदो तपास करे तो सत्य सामे आवे। स्थल पर खोदकाम थाय अने सत्य सामे आवे। परिसरमां देखाती खंडित प्रतिमाओ ज सत्य साबित करे छे तेवुं जैन मुनिए कह्युं। साथे परिसरना अमुक बंद ओरडाओमां प्रतिमाओ छे। ढाई दिन का झोपड़ा में जता अमने रोकवामां आव्या हता ने दिगंबर होवाथी अमने अटकाववामां आव्या हता तेवुं जैन मुने कह्युं। जो कि आखो जे मामलो छे ते शांतिथी पूर्ण थाय तेवी पण तेमणे अपील करी। अहिंसा परमो धर्मना सूत्र साथे आगळ वधवुं जोईए। समाजमां माहोल न बगड़े ते प्रमाणे निर्णय लेवाओ जोईए। अमे संत छीए, लड़ाई नहीं करीए, मार्गदर्शन आपीशुं तेवुं जैन मुने कह्युं। अढ़ाई दिन का झोपड़ा नहीं, बहुत बड़ा इमारत है और भारतीय संस्कृति का एक पुराना नमूना है। वहाँ के खम्भों पर कुछ देवताओं के भी चित्र हैं और कुछ ऐसी आकृतियाँ हैं जो हमारे प्राचीन पुरातत्व और मंदिर शिल्प से भी मिलती जुलती हैं। आमतौर पर खम्भों में जैसे अब देवी जैसा एक चित्र, एक गणपति जैसा जिसे बाद में छीला गया, तो सिर्फ चकत्ता बचा हुआ है। कितनी पुरानी चीज़ें हैं, क्या वास्तु रहा, क्या इतिहास है, वह तो पुरातत्वविदों की खोज का विषय है। बाकी वहाँ से जैन मूर्तियाँ मंदिरों में लाई गई हैं और अभी परसों ही हम एक मंदिर में नई वेदियाँ बना करके 400 साल पुरानी मूर्तियाँ ठीक से विराजमान करवाने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं वहाँ जैन मंदिर रहा है। अब दावेदार लोग क्या कह रहे हैं, कब्जे किनके हैं, ये बातें वो जाने। वहाँ जो कुछ और खुदाई हो और वहाँ जो मूर्तियाँ निकले उनको यथायोग्य स्थान दिया जाए, उसी परिसर में उनके लिए उचित स्थान मिले तो बहुत अच्छी बात होगी। नहीं तो आपस में सर्वधर्म के लोग बैठ करके और जो उचित है, न्यायोचित है, न्यायालय जो कहे, उस टाइप से काम हो कि आपसी प्रेम भाव भी बना रहे और जिनकी चीजें हैं, जिनका वास्तु है, उन्हें मिले। अब जिन लोगों को वहाँ वर्षों से कब्जा है या अधिकार है या उनकी मान्यता है, आसानी से कुछ होना कठिन है। फिर भी जैसा कि सांसद बोहरा जी ने भी बताया था, जैसे कुछ प्रपत्र भी उपलब्ध हैं, जैसे कि कहा जाता है कि सम्राट विक्रम उन्होंने वहाँ पर सुंदर वास्तु का निर्माण करवाया था, तो इतिहास तो है। अब कब कहाँ कैसे चेंज होता गया, जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस रही है। फिर भी अगर पुरातत्व तो और उसका जो गौरव है वापस लौटना चाहिए और लोगों को खबर होना चाहिए कि इस देश में केवल दो लोग नग्न मुद्रा में पूजे जाते हैं, माने जाते हैं, एक तो छोटा बच्चा या फिर सब कुछ त्यागने वाला कोई तपस्वी दिगंबर मुनि। बाकी अगर कोई पागल हो और ऐसे घूमे, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। अब इस तरह के शब्द अगर कोई सचिव, अंजुमन कमेटी के सचिव प्रयोग करते हैं कि बिना कपड़े के यहाँ लोग कैसे आ गए, तो उन्हें इतना तो इतनी खबर नहीं है कि हम जिस देश में रहते हैं उस देश में इस टाइप के मुनि भी होते हैं, इस टाइप के नागा बाबा भी होते हैं, इस श्रमण संस्कृति में भी और वैदिक संस्कृति में भी इस टाइप के साधु पाए जाते हैं। जिन लोगों को ये खबर नहीं है, हम उन्हें भारतीय कैसे कहें? उन्हें इतना तो खबर होना चाहिए कि ऐसे मुनि भी होते हैं और इस एवज में वो चाहें तो ऐसे कहें कि वहाँ मुनि पधारे थे तो उन्हें कोई व्यवस्था के साथ में, ऐसा कुछ ऐसा शब्द यूज करें कि समाज में प्रेम बना रहे। और अगर वो दिगंबर मुनियों को बिना कपड़े वाला आदमी ऐसा कुछ बोलेंगे, स्वाभाविक है कि पूरी संस्कृति, पूरे सनातन नाराज होएगा कि आप साधुओं पर ऐसे कमेंट्स कैसे कर सकते हैं। चूंकि मुझे उनके शब्द अच्छे नहीं लगे, क्योंकि पूरे दिगंबर संघ का नेतृत्व हमारे हाथ में है।